गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ अतुल चौहान। आज है डे 12 ऑफ हमारा मुंबई टू ले एंड बैक टू मुंबई। आज हम जल्दी उठे हैं 7 बजे, बिकॉज यहाँ पे मिलता है गर्म पानी नहाने के लिए 6:30 से 7:30 के बीच में। बहुत ही अच्छे से तान के सोए, अभी फ्रेश होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे आगे के जर्नी पे। ब्रेकफास्ट करते करते बज चुके हैं 8:20 और बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट हुआ। थोड़ा ये शोल्डर में पेन है, शायद से कल प्रेशर आया होगा जब मैं गिरा, या फिर नींद में कुछ हुआ रहेगा। आज का जर्नी है पेंगोंग लेक की तरफ। उसके बीच में कुछ एक्सप्लोरेशन प्लेसेस है या नहीं है मैंने देखा नहीं है अभी तक, तो बढ़ते हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे रास्ते पे। ये हमारा नुब्रा समर कैंप है इधर, ये लद्दाख आपका ओम्बे हुंदर में पड़ता है। यहाँ पे विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, वाईफाई, डिनर पैकेज, प्लीज कॉन्टैक्ट विद अस, हम हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे आपको। एंड ये हमारा नुब्रा समर कैंप है और ये व्यू है इधर। तो वाईफाई और गर्म पानी के साथ डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो हुंडर में आते हो तो ज़रूर यहाँ पे रुकिए। निकलते निकलते बज चुके हैं 9:30 और अभी हम निकलेंगे हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। इसी के साथ हम कर रहे हैं नुब्रा वैली को बाय बाय, और बहुत ही सुंदर ऐसी सियाचिन रीजन की नुब्रा वैली, और आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर में। फोटोग्राफी के लिए रुके थे, डेविन स्टोरेज फोटोग्राफी कर रहे हैं, और यहाँ पे मुझे अब तक की सबसे लंबी जिप लाइन मुझे दिखी, और यहाँ पे ATV राइड्स भी होते हैं। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहते हो तो आप यहाँ आके कर सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी एडवेंचर पे हैं तो हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। हम वो लोग जो एंजॉय करें, हम एंजॉय करते करते आ चुके हैं। तो मिलते हैं आपको रास्ते पे, आपको अपडेट देता रहूँगा, बने रहिए मेरे साथ। बिस्किट के आखिरी पेट्रोल पंप पे हम लोग पेट्रोल भर के निकल रहे हैं पेंगोंग की तरफ। अभी अभी खबर मिली है कि रेगुलर रोड जो है वो बंद है, तो हम जाएंगे दूसरे रास्ते से। तो पेंगोंग का मेन रास्ता बंद होने की वजह से हम जा रहे हैं अलग बाईपास के रोड से। बहुत ही ब्यूटीफुल झाड़ियों के बीच में से, पहाड़ों के बीच में से जाता हुआ रास्ता, और हमने वाइजर अभी टेम्पररी बिठा के तो रखा है, लेकिन वो कभी भी निकल सकता है मूवमेंट में। तो आगे जाके देखते हैं कि ये रास्ता कौन सा मोड लेता है, जिंदगी के मोड की तरह। नेविल का सब लोग हाय कर रहे हैं। हाय गाइस, हाय गाइस, वेलकम टू सियाचिन प्लेट्यू गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सियाचिन प्लेट्यू और नुब्रा वैली, और यहाँ से चालू होता है हमारा ऑफ रोड, थोड़ा सा ही है, और नेविल स्टोरीज करते हुए सैडलिंग हम भी कोशिश करेंगे। भले शूरी अभी रोड मोड में है, लेकिन ऑफ रोड में अच्छे से हैंडल कर रही है। बैक ऑन द रोड। बहुत ही अमेजिंग रास्ता, और इसकी मुंबई में ऐसा रास्ता, मुंबई में रास्ते के लिए जगह नहीं है, मुंबई डूबने वाला है, डूबने वाला। कुछ रुको जरा, 30 साल रुको, जितना भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है ना मुंबई में, सब पानी में। ये रास्ते की तारीफ कर देने तक होगा। ऐसे भोले बन के है बैठे, जैसे कोई बात नहीं। हम आते वक्त शोक नदी के वो साइड से आए थे, अभी जाते वक्त शोक नदी के ये साइड से जा रहे हैं। ये सब ऊपर वाले की कृपा है कि हमें सब कुछ एक्सप्लोर करने मिल रहा है, नहीं तो कल हम वो ब्रिज क्रॉस नहीं करने वाले थे। और नेविल स्टोरीज भगाते हुए मजा आ रहा है बोल के यहाँ से रफ रोड की शुरुआत। हाय गाइस,
मेरे को क्यों नहीं दिख रहा? वो रिवर प्लेन तो करे गाड़ी जा रही होगी वो। ओहो हो सैंड। अपन वहीं से आए थे ना। क्या हो गया? मेरा तो पूरा आगे का व्हील हिल रहा है। हिला हाँ आ रहा हूँ मैं। चलाते चलाते आ रहा हूँ। मेरे को बहुत स्लोली आना पड़ेगा रे, बहुत हिल रहा है आगे का व्हील मेरा। गांव तक रास्ता अच्छा बनाया था इन्होंने। मैं आराम से ले रहा हूँ क्योंकि पेट्रोल उछलेगा और मेरा पेट्रोल के इसमें वो लॉक नहीं है तेरी तरह। अच्छा सैंड के वजह से इन्होंने एयर प्रेशर ज़्यादा भरवाया सबने, क्योंकि उससे तो सैंड में धंसेगा ना गाड़ी। ये लोग इधर क्यों रुके? हाँ क्यों अंदाजा तो लगा सकते ना। बातें क्या करेंगे फिर? बातें क्या करेंगे फिर इंटरकॉम पे? मैं गया था अभी, सीधा सीधा ही गया था, सीधा एकदम इधर टर्न नहीं बैठ रहा था मैं। पूरा एडवेंचर कराने बड़ा गाड़ी सब इतना धपाधप निकल गया क्या? बड़ा गाड़ी अपने को जो बड़ी गाड़ियाँ दिखी थी ना, वो लोग का ऑफ रोड कोई फर्क नहीं है गाड़ी जो वो टायर बड़ा रहता है ना वो धपाधप निकाल देते हैं। आगे से लग रहा है रास्ता क्लियर है। क्लियर है बीच में से चला नहीं, बीच में तो हिल रहा है गाड़ी मेरा। गर्मी क्या हो रहा है? अच्छी बात है ना, थोड़ा बॉडी गर्म होएगा तो। नहीं ठंडा है वो गर्म हो जाएगा ना। नहीं मेरे को गर्मी नहीं जमता है ना, अगर ऐसा वार्म नहीं, मेरे को मुंबई जैसा गर्मी हो रहा है। अच्छी बात है, मुंबई की आप तो किनारे पे देखो। नहीं जाना मेरे को वापस मुंबई में। हाँ गाड़ियाँ दिखी, गाड़ियाँ दिखी। हाँ खुश हुआ मोगेम्बो, खुश हुआ। अच्छा हुआ मैंने रेनकोट नहीं पहना। ये ओरिजिनल रास्ता शायद से नुब्रा वैली का। एक दिन कितना किलोमीटर है अपन ने देखा ही नहीं, 168 समथिंग ऐसा कुछ था। क्या गर्मी हो रहा है यार। ऐसा रास्ता आएगा तो 168 अंधेरे में पहुंचेगा। नहीं नहीं हो गया ना, क्लियर हो गया। देख आगे मैंने फैन सुना। गाड़ी पे ना बैठा मत रहे पूरा। हो संभाल। हाँ खड़ा नहीं रहना है लेकिन पूरा नहीं बैठना है। ये तो पहले गियर में ही हूँ और ऑफ रोड मोड में डाल दिया है इसको ना। ये क्यों रुक गया यहाँ पे? नहीं ओ उधर भी तो किया उसने। मैंने ले लिया बॉर्नविटा है मेरे पास। चाहिए मैको मैं देखा तो वो प्रैक्टिस करने का नतीजा संभाल।
राइट साइड से आ रहा हूँ, जिधर पत्थर दिख रहे उधर ही चला। हाँ आई होप बैटरी टिके। पहला गियर में डाल, अच्छा है मेरे लिए तो रोलर रोड रोलर चला के जा रहा है और मैं उसके ऊपर से आ रहा हूँ। फिर देखो पेट्रोल का स्मेल आ रहा है, पत्थर वाला पैच पकड़। तो क्लच यूज नहीं कर रहे ना तू, इसके लिए भाग रहा है वो। हाफ क्लच पे चलाना। मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, ये नहीं जाओ। क्यों मैं सैंड में तेरा रोड फॉलो कर रहा हूँ? नहीं, जा जैसे आप कहे सर। सीट हाइट कम है, सॉफ्ट सस्पेंशन है ना इसको, ये सब रीजन में ना इसको, ये गाड़ी को उछाल उछाल के चलाने वाला है, लेकिन अपने पास सामान है ना, इसके लिए अपन उछाल नहीं सकते। मैं थोड़ा गैप बनाए रख रहा हूँ। दोपहर के 12 बजे की धूप, साथ है भगवान, साथ है, टेंशन मत ले। सुना अपर, ये लोअर मस्त है, लोअर मस्त है। ये शूरी का रिस्पॉन्सिवनेस बहुत बढ़ जाता है रे इसमें ऑफ रोड में। ADV 390, अच्छा वो 390 के लिए गया, 250 को और ज़्यादा एक्सेलरेशन देना पड़ता। हाँ क्विक शिफ्टर नहीं है, कॉर्नरिंग ABS नहीं है और ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल मतलब क्या, यहाँ पे ज़्यादा एक्सी दिया ना, यहाँ पे ज़्यादा एक्सेलरेशन दिया ना तो व्हील स्पिन होता है मिट्टी मिट्टी में। मैं वही बोला ना, आगे रास्ता अच्छा दिख रहा है, ऑफ रोड ही लेकिन सैंड नहीं है शायद से। BRO, ये BRO ने ही बनाया हुआ रास्ता है। आएंगे आएंगे, आएगा बनेगा, ये भी रास्ता बनेगा। थोड़ा पत्थर वगैरह संभाल क्या, इधर पंक्चर हुआ तो लग जाएंगे। मेरे को ये उससे तो बेटर है ना सैंड से, मेरे को प्लेन लगा दूर से।
लगा तो लगा, अभी मैं क्या करूँ। हाँ तो नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड गंदा वाला ऑफ रोड रे, मतलब अभी साइड से रास्ता धस चुका है और बीच में खाली पत्थर है। मेरे को वो MI का स्मार्ट बैंड लाना चाहिए था, कैलोरीज कितना बर्न हुआ वो दिखता था। ये है एक्चुअल नुब्रा वैली, जमीन को भी स्लोप है। अपन कल सब ऊपर से गए थे, आज नीचे से जा रहे। मेरा भी हाथ दुखने लगा, क्लच नहीं पकड़ा फिर भी। मैं वॉल्यूम कम कर दिया तो चिल्लाता बहुत है। मैं आवाज ही कम कर दिया तो इतना चिल्लाता है ना उसमें। ये पक्का राइट में ही जाना है ना। हाँ 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 हाँ, अच्छी अच्छी जगह पे घुस रहे हैं। मेरे को ऐसा फील आ रहा है ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, मतलब अच्छी जगह घुस रहे हैं। बस दिख नहीं रहा है कुछ, आज कमर दुखने वाली है। तेरी मेरी नहीं है मुश्किल तो लबजो ये बयां ना हो पाए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं शोक रिवर को वापस से एक बार क्रॉस करते हुए खुदा के दो बंदे जो निकले हैं मुंबई से, और यहाँ से हमारे एक्सपेक्टेशन है कि रोड अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसे दिख तो नहीं रहा हमें। हम है मुझे ऐसा फील किया कि हम हैं शोक रिवर के बीच में। बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने अब क्या करे। उधर अच्छा रास्ता ऐसा लग रहा है मेरे को। मेरा टर्न लंबा लेना पड़ेगा ना, मेरे को वॉच करना। ये रे खाली पकड़ के एक्सपेक्टेशन से कल आया मैं। अभी मैं जाता था फुदक फुदक के आया मैं। मेरे को कॉन्फिडेंस, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। मैं तो उछल उछल के चढ़ा हूँ। आई होप कैमरा में आया हो। दो मिनट रुके क्या, कैमरा को पावर बैंक लगा दो। इधर देखना लेफ्ट में झरना दिख रहा है, तू तो नहाने भी भाग जाए उधर, झरना दिखे तो। ये ऐसा ही रोड है क्या? ओहो हो हो, लेफ्ट में उतरना तो इजी था, ये तो और डेंजर लग रहा है मेरे को। यही है वो नुब्रा वैली, इसको स्लोली चलाएगा ना पत्थरों पे तो प्रॉब्लम है, फास्ट चलाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसको। अभी क्या रोड घंटा दिखेगा, पूरे व्यू की मार गया साला। ये देख ये स्पीड पे ना नवीन, ये स्पीड पे मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुआ, मतलब 35 के ऊपर चला ना तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब भी अगर हाँ 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 नहीं, मैं 30 तक भी चला रहा हूँ ना तो भी वो फील हो रहा है। हाँ मुझे फीलिंग आ रहा है वो आगे पहाड़ के बाजू वाला रोड अच्छा है करके, लेकिन चलाने में मज़ा आ रहा है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ क्या? नहीं नहीं
मेरे दोस्त के साथ रहना है मेरे को। हाँ लेकिन नहीं, तू भी दिखना चाहिए ना मेरे को। इंटरकॉम डिस्कनेक्ट हो जाता है ना। पेंगंग पेंगंग ऐसा ही रखा है। 12 किलोमीटर बाद ठीक है बोलता है। ओ सैंड में तू हिला ना तो मेरे को जोश आया है। मैं बोला अभी बैटमैन मोड में ही चलाना पड़ेगा गाड़ी। ओवरहैंग के नीचे से हम जाते हुए थोड़ा संभाल के, यहाँ पे अच्छा खासा स्टोन फॉल लैंडस्लाइड के पत्थर। आई होप नॉट। हाँ लेकिन मैं ऐसा मतलब विश है कि वो ना हो। हाँ मिट्टी का टेक्सचर बदला है लेकिन रस्से का क्वालिटी वही है। मेरे को अभी मज़ा आ रहा है थोड़ा बहुत। इन द मिडल ऑफ नोवेयर, यहाँ पे तो जीपीएस भी है कि नहीं क्या पता। पेंगोंग पेंगोंग सीधा पूछ के भी क्या फायदा है वैसे भी। क्यों पेट्रोल क्या क्यों रुकता हूँ मैं रुकता रुक आगे रुकता हूँ। अरे पेट्रोल का स्मेल अभी ऐसा ही रखा है, वो लीक हो रहा है इसमें से। ढक्कन तो लगा है, बाहर बांधना पड़ेगा नहीं तो इस पे बांधना पड़ेगा। ढक्कन मैं पहले बोला तेरे को मेरे को स्मेल आ रहा है करके। तो नूबरा वैली के बीचों बीच हम लोग रुके थे क्योंकि हमारे बैग में पेट्रोल लीक हो रहा था। तो अभी हमने उसको बैग से निकाला है और यहाँ पे साइड में लगाया। तो नेविल ने हमारी बहुत मदद की ये फिट करने में। और अभी हम निकलेंगे आगे। नेविल को मिला है गोवा का दोस्त और हैंगआउट करते हुए और गोवन में इनका चल रहा है कॉन्वर्सेशन। देखते हैं हम कैप्चर कर पाते क्या। ये है ब्यूटीफुल श्योक नदी, बहुत ही उम्दा फ्लो है। और ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, वहां से हम आए हैं इसी ब्रिज के ऊपर से। So BRO is doing great job again. आ रहे हैं मैगी Neville Stories के साथ। रिवर रेस्टोरेंट पे अच्छे से मैगी और कोकोनट वाटर पीने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आगे 30 किलोमीटर तक ऑन ऑफ रोड रास्ता है, तो उसके बाद रास्ता अच्छा है। तो देखते हैं आगे के एडवेंचर कैसा। Neville Stories बढ़ते हुए आगे सेकेंड वाटर क्रॉसिंग पे और ये सक्सेसफुली क्रॉस्ड विदाउट वेटिंग देयर शूज। अभी बढ़ेंगे हम आगे। फर्स्ट गियर लैंडिंग गियर आउट, पानी उड़ाते हुए हम निकले हैं और हमने भी हमारे जूते गीले तो शायद पैंट गीला किया है। तो यहाँ से हम निकले हैं आखिरी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर के और ये लेफ्ट वाला रास्ता हमें लेना है। आ जाओ। यह है क्यूट से स्मॉल हिमालयन बेयर्स, इनका चल रहा है झगड़ा। देखो कितने क्यूट है। यहाँ से आया इनका दोस्त और ये रहते हैं यहाँ पे बिल बना के। रेसलिंग इज ऑन ब्रो। ये आया इसका दोस्त, क्यूचा एनिमल। खाना नहीं मिला तो वापस जा रहे। तो यही, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अभी भी लगभग 30 किलोमीटर कंप्लीट करना है। शूरी और मोआना वहाँ पे है।
ये है हिमालय का और फौना, ये याक जैसे तो मुझे दिख रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर याक और नॉट। बहुत ही ब्यूटीफुल मैग्निफिशेंट जानवर है। और ये गाड़ी वाले यार बहुत धूल उड़ाते जा रहे हैं। पैंगोंग है अभी भी लगभग 25 किलोमीटर्स और आधा घंटा दिखा रहा है हमें पहुंचने के लिए। और हमारा पेट्रोल का गैलन जो है वो बैग के अंदर गार्बेज बैग में डालने के बाद भी लीक हुआ है और गार्बेज बैग भी फट चुका है, तो आई जस्ट होप कि बाकी चीज़ों को उसका स्मेल ना लगे। अभी मैंने उसको बाहर निकाल के बंजी और स्ट्रैप से बांध दिया है, तो बस अभी ऑफ रोड से निकलना जाए कहीं पे। सो दोस्तों, ये है पैंगोंग लेक का फर्स्ट व्यू। व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक इट इज। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे हमारे स्टे की ओर। बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, ब्लू शेड है, साइड में ब्राउन माउंटेन्स है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें ये लेक का व्यू आते जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक, एकदम नीला पानी, ऊपर सफ़ेद बादल, ब्राउन पहाड़, नीला आसमान। और जहाँ पे बादल है वो उन बादलों का कलर ये लेक रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये लेक का पानी टेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये पानी खारा है। और समुंदर से इतने दूर, आप इमेजिन कर सकते हो कि समुंदर से इतने दूर खारा पानी कैसे हो सकता है। पानी का बहुत ही मस्त कलर आ रहा है, ब्लू है, वहाँ पे टर्कोइज है, वहाँ पे डार्क ब्लू है, और नीचे लोग भी हैं पानी के आसपास। और यहाँ पे देखना सॉल्ट पैच है लगता है वो। पैंगोंग लेक के बाजू का ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, अब तक के ऑफ रोड से तो बहुत ही बेटर है। मुझे वाइजर में से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आज के दिन भर के जर्नी में का ये वन ऑफ द गुड रोड, जहाँ पे हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम फाइनली पहुँचे हैं शंबाला कॉटेजेस, ऑल्सो नोन एज कोरा इको पार्क। तो हम देखते हैं बुकिंग का क्या सीन है। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं शंबाला कॉटेजेस, ऑल्सो नोन एज कोरा इको रिसोर्ट। जो गूगल मैप्स पे कोरा इको रिसोर्ट दिखेगा, लोकेलिटी में आके आपको पूछना है शंबाला कॉटेजेस, ओके। और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट है। यहाँ पे कॉटेजेस है, पीछे मस्त माउंटेन है, और सामने है हमारा फेवरेट पैंगोंग लेक। सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद हमने सिर्फ खाया था एक मैगी और थोड़ा सा कोकोनट वाटर पिया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया है। और लगभग बज रहे 7:45 और बहुत ही भूख लगी। तो हम लोग आए हैं पैंगोंग के यहाँ पे एक रेस्टोरेंट प्लस शॉप है उनके पास, और अभी ऑर्डर किया है मैगी विथ ऑमलेट। तो देखते हैं कैसा रहता है। यह आया हमारा मैगी और ये मस्त वाला ऑमलेट। आ चुके खाना खाने, यहाँ पे सूप और वेज बफे। माय सरप्राइज, डिनर में अंडा करी भी है। तो हम खा रहे हैं थोड़ा सा सलाद, रोटी, पनीर मटर और अंडा करी, और हाँ पापड़। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी हमने खाना खाया और अभी सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र करके सोने वाले हैं। यहाँ पे ठंड इतनी नहीं है, लेकिन उसके साथ हवा है तो ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है, और सुबह तक तापमान माइनस में जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है कल सुबह। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को दिखाइए, फैमिली को दिखाइए, बट डोंट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। बाय।